अबे राहुल गांधी, तू ये क्या किया बे? तू मुझे चोरी करने के लिए पाकिस्तान से इंडिया में बुलाया, इधर जब आया तू मेरे को पुलिस का हाथ में पकड़ा दिया, वो भी नरेंद्र मोदी का हाथ में। वो मुझे अभी छोड़ेगा? ओहो, तेरे को ये राहुल गांधी बुलाया है? चोरी करने के लिए राहुल गांधी तुझे बुलाया है? अभी मुझे पता चला। नहीं, मोदी साहब, मैंने नहीं बुलाया है उसको। उसने मेरे को फ़ोन करके बोला मैं भीख मांग मांग के पाकिस्तान में थक गया हूँ, मेरे को कोई भीख नहीं दे रहा है, तुम्हारे में इंडिया में आ जाऊँ, भीख मांगूंगा तो कोई देगा, ताकि मेरा थोड़ा घर चल जाएगा। बाद में इधर जब आया, मैं बुलाया, बाद में इधर ये चोरी करना चालू कर दिया। नहीं, मोदी साहब, ये राहुल गांधी मुझे फंसा रहा है। मुझे फ़ोन करके बोला इंडिया में आ जाओ, मैं बहुत कुछ चोरी करके मेरा देश में लोगों का रखा हूँ, मैं तेरे को दे दूँगा, तू पाकिस्तान में लेके चला जाएगा। मैं जब इधर आई कि इंडिया में पहुँचा, राहुल गांधी का पास पहुँच गया, मेरे को बोलता है तू अभी भीख मांग। बाद में मेरे को कुछ रास्ता ही नहीं मिला, मैं सीधा चोरी करना चालू कर दिया। अच्छा साले, तुम दोनों चोरी करने का चक्कर में रहते हो, तुम दोनों को तो आज ऐसा डंडा में मारूंगा, पिछवाड़े फुला दूंगा, तुम्हारा 7 जिंदगी निकल जाएगा, फिर भी बोल नहीं पाओगे। अमित शाह, ये दोनों को कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा तुम बोलो? ये दोनों को मैं कह रहा हूँ मोदी साहब, ये दोनों को अभी खेत का सीजन आ रहा है, दोनों को देश में जितना भी जमीन है जिसका पास, सबका जमीन पे ये दोनों को हॉल घुमाओ, बाद में ये दोनों को जेल में डाल के रख दो।